नाज़रीन, कत्ल का ये केस बहुत ही अजीब है, जहां पुलिस ये समझने से कासिर है कि मां बेटे ने खुद एक दूसरे को कत्ल किया या इन्हें बाहर से आके किसी ने मारा। पुलिस को आलय कत्ल भी मिल चुका है, जिसपे उंगलियों के और खून के निशानात वाजे तौर पे देखे जा सकते हैं। अजीब बात यह है कि घर की कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली, अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें कत्ल किया तो किसने किया। अहले मोहल्ले का कहना है कि इस घर पे या तो असरात हैं या किसी डायन का कब्जा है, जो हंसते बसते घर को बर्बाद कर देती है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो हमने या तो फिल्मों में देखा या किताबों में पढ़ा।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ नासिर। वालेकुम सलाम। अच्छा सुनो, तुमने तो कहा था कि तुम एक दो दिन में हैदराबाद जाओगे। यार बस निकला हूँ, रास्ते में हूँ, मैक्सिमम मगरब तक पहुँच जाऊंगा। तुमने एक मेरा काम कर लिया। हाँ हाँ बोल। मैं तुम्हें एक एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ। तुमने वहां से किताब उठानी, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। हाँ ठीक है, श्योर, व्हाई नॉट। मुझे एड्रेस भेज दे। थैंक यू। यू वेलकम बड़ी। चलो मुलाकात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे नासिर साहब ने भेजा है, उन्होंने कहा था कि आपसे कुछ चीजें लेनी है, तो वो लेने आया हूं। सर एक्सक्यूज मी, ये लो। नासिर को दे देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुनो ये भी ले लो। ये भी नासिर के लिए? तुम्हारे घर के लिए है, जरूरत पड़ेगी। उसकी नजरें तुम्हारे घर पर हैं। किसकी? सर जल्दी घर जाओ, बारिश होने वाली है। हाँ नासिर, मैंने तुम्हारा सामान उठा लिया यार। हाँ लेकिन मैं अब कल ही आऊंगा तुम्हारी तरफ, ठीक है? ओके ओके। बस ये करो, कितनी बार देखोगे ये कार्टून? I like this cartoon. मैं इसे हमेशा देख सकता हूँ। आयो, तीस एडम फैमिली लगा दो। हाँ जो, तुम कैसे देख लो थे वो कार्टून? ओके डिनर टाइम, चलो इसको ऑफ करो। मॉम, 5 मिनट्स।
प्लीज नहीं नहीं नो वे प्लीज प्लीज डिनर के टाइम पे सिर्फ डिनर प्लीज मॉम बस 5 मिनट हाँ हाँ वो भी अगर स्कूल के लिए लेट हो गए ना तो मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूंगी अच्छा बेटा वो इब्राहिम से कोई बात हुई कब तक आ रहा है जी जी वो आज लेट हो जाएगा चलो ठीक है मैं जाग ही रही हूँ मैं देख लूंगी अरे नहीं अम्मी उसके पास चाबी है ना वो खुद से आ जाएगा आप आराम से सो जाएगा अच्छा अभी आए खाना तो खा लें वो जंगल घना तारीक और बहुत खतरनाक था उसमें तरह तरह के दरिंदे और जानवर रहते थे हातिमताई अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे मामा उनके पास कोई मोबाइल फोन या टॉर्च नहीं थी उस जमाने में ये सब थोड़ी होता था और उनको घने जंगल से गुजरते हुए डर नहीं लग रहा था नहीं क्योंकि हातिमताई सखी होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थे जंगल से गुजरते हुए एक बुढ़िया की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी वो उनसे मदद मांग रही थी मामा आपको पता है आज आयु ने फिर से उस ओल्ड लेडी को अपना लंच दे दिया मामा उसे कोई शेयर नहीं करता लंच तो इसलिए मैंने शेयर करा और मामा उसे भी तो भूख लगती होगी ना हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुमको अपना लंच खुद खाना है ओल्ड लेडी के लिए ना कल से मैं तुमको अलग से लंच दे थैंक यू मामा सो स्वीट आगे कंटिन्यू करें ना मामा ये तो ओल्ड लेडी नहीं ये तो यंग लेडी है ये डायन है ये यंग लेडी के रूप में आ गई है मामा ये डायन क्या होती है मामा कोई बाहर है मामा आयु डर गया मैं डरता वरता नहीं हूँ मैं ब्रेव हूँ अच्छा अच्छा भाई ऐसी बिल्ली से कोई चीज गिर गई होगी हाँ भाई मामा ऐसा भी तो हो सकता है कि डायन बिल्ली के रूप में आई हो वो हिजाब भाई तेज हवा चल रही है कुछ गिर गया होगा मामा देखिए ना हिजाब मत डराओ ना उसको मामा मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी वो तो डर रहा है मामा अभी 20 मिनट्स है कहानी आप कंप्लीट करें बकिया कहानी ना कल सुनाओगी वो वैसे ही डर रहा है मामा वो डरपोक है इसमें मेरी क्या गलती आप उसे दादू के रूम में भेज दे मैं डरपोक नहीं हूँ मामा आप बाकी कहानी सुनाए अच्छा भाई कहाँ थे हम जब हातिम ताई उस बुढ़िया के पास गए हाँ वो बुढ़िया हातिम ताई के करीब आकर मदद मांगने लगी मामा क्या हातिम ताई को पता नहीं था कि वो बुढ़िया कौन है हाँ रात के अंधेरे में वो नहीं समझ पाए ना अगर मामा दिन होता तो हातिम ताई पहचान लेते ना तुम दोनों मुझे कहानी सुनाने दोगे कि नहीं आप सुनाए मामा डायन सिर्फ जंगल में रहती है आयु मुझे मालूम है कि डायन कहाँ कहाँ रहती है और अभी डायन थोड़ी देर में मेरा रूप लेके तुम्हारे सामने आ जाएगी मामा देखिए ना आजो को वो डरा रही है अच्छा ना हिजाब मैं डराऊँ ना उसको और मामा डायन सिटी में भी होती है डायन हर जगह होती है और जो बच्चे देर तक जागते है ना उनको तो वो बहुत तंग करती है चलो भाई उठ जाओ बहुत देर हो गई है हिजाब अपना पिलो लेके जाओ आयान अपना पिलो सीधा करें ओके गुड नाइट गुड नाइट ओके गुड नाइट मामा ये किस चीज की आवाज थी कुछ नहीं सो जाओ मामा मामा मामा
मामा क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से क्या हुआ? मम्मा हमें डर लग रहा है। क्यों क्यों डर लग रहा है? क्या हो गया बच्चों, इतनी रात को क्या खाना बचाया हुआ है? दादू हमारे घर में चोर आ गया है। चोर? कहाँ है चोर? दादू चोर नहीं, डायन आ गई है। ओहो, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। आलिया ये लोग अब तक जाग क्यों रहे? सोए रहे थे अम्मी, वो बादलों की गरज की आवाज की वजह से ना जाग गए। बाहर से ना कुछ आवाजें भी आ रही हैं, मैं जाकर देखती हूँ क्या है। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं दादू आप मत जाएं, हमें बहुत डर लगता है, प्लीज मत जाएं। अरे आप बच्चों के साथ ही रुके, मैं देख कर आती हूँ। तुम तो नहीं डरोगी? ही अम्मी अपने घर से कैसा डर, जाए आप ले जाए बच्चों को। क्या हो गया? तुम? तो और कौन? मुझे नहीं पता था कि मेरी लॉयर बीवी इतनी डरपोक निकलेगी और मुझे बैट से मारेगी। मुझे क्या पता कि तुम थे? मुझे तो लगा कोई। यार मैं एक्चुअली मेन गेट की चाबी भूल गया था, इसलिए दीवार फलांग कर आया हूँ। तुम क्या कर रही हो ये? चलो अंदर अब, डरपोक आ जाओ। कॉल कर लेते, बेल बजा देते, मैं खोल देती दरवाजा। अरे अम्मी मैं आप दोनों को तकलीफ देना नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा मैं खुद ही थोड़ी मेहनत मशक्कत करके अंदर आ जाता हूँ, और जब यहाँ दरवाजे पे आया तो मैडम जी ने मुझ पर बैट उठाया हुआ था यार। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर की लाइट का स्विच बोर्ड ठीक करवा दो, उसकी वजह से ना जाने कितने बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, और अब तो बाहर की बेल भी प्रॉब्लम कर रही है। करवा लूंगा मेरी माँ, मैं सब काम कल करवा लूंगा। अच्छा बहुत बातें हो गई, वो देखो वो दोनों भी हमारी बातों से बोर हो रहे होंगे, और मुझे पता है कि आप दोनों किसकी वजह से जाग रहे हैं। मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं जाग रहे, तुम्हारी वजह से जाग रहे हैं। उनको पता है ना तुम कुछ ना कुछ लाए होगे इनके लिए। आ जाओ दोनों, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन। सब बड़ी कैसे हो? सो ये मेरी है। नहीं मामा ये हिजाब की, here you go. Comics? I love it. Thank you, Papa. You are welcome. Bro, badi hijab ki. Thank you, Papa. You are welcome. Just book. यार games के साथ साथ books भी पढ़ना जरूरी है. Come on, buddy. पढ़नी चाहिए. और अम्मी ये आपके लिए. अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? जीते रहो। थैंक यू। और हमारी बेटी के लिए क्या लेकर आए? ओहो आलिया आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाना भूल गया। अच्छा चलो बहुत देर हो गई है, अब सोने का टाइम। नो पापा,
पापा समझाएं ना मामा को। यार थोड़ी देर तो बैठने दो मेरे पास। नो नो वे, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से डिसिप्लिन रहेंगे तो आगे जिंदगी में तरक्की करेंगे। और सुबह पापा ने भी ऑफिस जाना है और मैंने भी। चलो शाबाश, जाओ सो जाओ। यार वैसे मामा बात तो ठीक कर रही हैं, जाना चाहिए आप लोग। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अम्मी, आपने अपनी दवाई खा ली ना, भूल मत जाइएगा। हाँ बेटा, दवा तो मैंने खा ली, अब सोऊंगी। शब खैर। शब खैर। शब खैर। शब खैर। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा? ये लीजिए बेगम साहिबा, आपका गिफ्ट। सो प्रिटी है ना, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वो तो है। अच्छा याद है ना, कल जल्दी आना है ऑफिस से वापस। क्यों भाई, खैर है? बताया तो था, भूल गए। कल फवाद की बर्थडे। अरे भाई साहब, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कल शाम में जरा जल्दी घर आ जाओ, ताकि हम लोग सब साथ मिलकर जाएं। ठीक है बॉस, मैं कल शाम में ऑफिस से जल्दी ऑफ कर लूंगा। मुझे नासिर से कोई काम है, उसे मिलता हुआ जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम चलेंगे। ठीक है। क्यों, नासिर भाई से क्या काम है? यार उसने कुछ सामान मंगवाया था, वो उसे पहुंचाना है। पता है जिन साहब से मैंने उसका सामान लिया है, उन्होंने मुझसे एक अजीब सी बात की। क्या? उन्होंने मेरे हाथ में एक तावीज दे दी, कह रहे थे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वियर्ड नहीं? एनीवे आई थिंक वो तावीज मैं गाड़ी में भुलाया हूं, मैं अभी लेकर आया। छोड़े, बाद में ले लेना। जल्दी करो, बहुत लेट। अरे चल रहा हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से फिनिश करो अपना ब्रेकफास्ट। ये आपका, सॉरी ये आपका और ये आपकी ओल्ड लेडी के लिए। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम। ये ओल्ड लेडी कौन है भाई? दादो वो हमारे स्कूल के पास में ही बैठती हैं। उन वो किसी से कुछ भी नहीं मांगती, बस अयान से वो लंच मांगती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए, अच्छे नहीं होते ऐसे लोग। अरे नहीं अम्मी, वो बस इसको खाना ही देता है और कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा एहतियात तो अच्छी चीज होती है ना। ओके दादू, अब से एहतियात करूंगा। अच्छा सुने, मैंने आप दोनों के कपड़े निकाल के रख दिए। याद है ना रात में फवाद मामू की बर्थडे पे जाना है? यस, बहुत एंजॉय करेंगे। यस, और बहुत एंजॉय भी करेंगे, मस्तियां भी करेंगे। ओफो, देखो जरा वैन आ गई। तुम लोग जानबूझ के लेट करते हो ना, ताकि नाश्ता ना करने पड़े। चलो जाओ। ओके मामा। ओके मामा। अल्लाह हाफिज़। ओके तो अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अम्मी मुझे भी आज ना जल्दी मीटिंग पे जाना है। मैं वैसे कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस घर आ जाऊं, लेकिन जस्ट इन केस अगर लेट हो गई तो आप प्लीज बच्चों को रेडी कर दीजिएगा और खुद भी तैयार हो जाएगा। अरे बेटा मैं क्या करूंगी जाके। अम्मी फवाद ने स्पेशली आपको इन्वाइट किया है। चलो ठीक है, इब्राहिम नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ गया आज? वो भी आज जल्दी ऑफिस निकल गए। सर आई एम सो सॉरी, इसने जो कुछ भी किया उस पर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। और मैं जानता हूं कि आपने इसे मेरे कहने पर एम्प्लॉय किया था, और अब मैं ही आपसे कह रहा हूं कि इसे फौरन फायर कर दें।
इब्राहिम सर प्लीज ऐसा मत कहें, मुझे सिर्फ एक और मौका दे दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, प्लीज सर प्लीज। यार दिलावर तुम किस मुंह से यह बात कह रहे हो, तुमने जो कुछ भी किया है उसे करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए था। सर मैं एक इंसान हूँ और इंसान कभी कभार शैतान के बहकावे में आ ही जाता है। सर आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और तो और सर मैं उन खातून से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज सर। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। यू मे गो नाउ। इब्राहिम साहब प्लीज आप तो समझिए। मैं क्या समझूं यार, इंसान का किरदार उसकी पेशानी पे लिखा तो नहीं होता ना कि उसे बासानी समझा जा सके। अब तुम जा सकते हो। इब्राहिम मैं तुम्हारी गैर जानबदारी से बहुत मुतासिर हूँ, उसे मैंने तुम्हारे ही कहने पर रखा था और अब तुम्हारे ही कहने पर निकाला है। मुझे पता है वो तुम्हारे साथ काम करता था, तुम्हें तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नो सर नॉट एट ऑल। आर यू श्योर? यस सर। गुड। अच्छा वो मेरे काम का क्या हुआ? सर इंशाल्लाह एक दो दिन दे दीजिए, वो हो जाएगा। ओके थैंक यू। हेलो। हेलो इब्राहिम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? क्या चल रहा है? हाँ बस यूजुअल द रूटीन काम। अरे हाँ एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारी दोस्त समरीन के शौहर दिलावर को फायर कर दिया गया है। अच्छा वो क्यों? अरे यार वो ऑफिस में काम करने वाली एक खातून को हरास कर रहा था। पहले उसने उसे जबानी तौर पर तंग किया, उसके बाद कॉल्स करके धमकियां देने लगा और आज उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। How dare he? खैर वो खातून अपनी शिकायत लेके बॉस के पास गई और इससे पहले कि बॉस उससे कहते कि तुम रिजाइन कर दो, मैं बॉस के पास चला गया और मैंने उनसे कहा कि आप इसको टर्मिनेट कर दें। बिल्कुल ठीक किया तुमने। I'm so proud of you. और अगर ज्यादा कोई इशू है तो मुझे बताओ, मैं केस रेडी करती हूँ। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। अरे भाई उसे फायर कर दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो रात में घर कब पहुंचोगे? याद है ना फवाद की बर्थडे में जाना है। मैं कैसे भूल सकता हूँ आलिया, मैं तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं। बाय बाय।
आयान, इतना जल्दी? मेरा जीनियस है, क्या हाल है? मैं ठीक। कैसा रहा स्कूल में? मस्ती तो नहीं की ज्यादा? इसने लंच खाया? इसके लंच का तो पता नहीं, लेकिन उसको जरूर देता है। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? आइंदा नहीं जाना वहाँ। हाँ अच्छा, अभी हम पहले जाके आइसक्रीम खाएंगे, फिर हम प्लेलैंड जाएंगे, फिर हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे, और फिर अगर हमारा दिल चाहा तो हम घर जाएंगे। वाह, आज तो मजा आने वाला है। पर दादू वेट कर रही होंगी। अरे मामू के साथ है, उनको पता है। चलो चलो चले क्या? ठीक है, बहुत मजा आएगा। तू डायन है, अपना बच्चा खा के निकाल इसे घर से। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत कहो। मेरा बच्चा तो मैंने नहीं मारा। ये अगर यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये मेरे बच्चों को भी मार देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। मुझे नहीं चला, खुदा के लिए मेरी जान दो। मुझे जो चाहिए था मिल गया। उठाओ अपने पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दिया। मुझे इस किताब की अशद जरूरत थी। एक पहेली है जिसे सुलझाना है, और इस पहेली को सिर्फ इस किताब के जरिए सुलझाया जा सकता। पहेली का इस किताब से क्या ताल्लुक है? मैं तुमसे कई मरतबा ये बात कह चुका हूं कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी मखलूक होती है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकती है। आमतौर पर वो अपनी हकीकतें नहीं खोलते, लेकिन जब उन्हें अपनी कोई बात हमें समझानी होती तो फिर वो कुछ क्लूज और पहेलियों के जरिए हमें मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस किताब के जरिए उन पहेलियों को डिकोड किया जा सकता है, क्या उनके मैसेज को समझा जा सकता है, या फिर शायद मदद कर सकते हैं। किसकी मदद? जिन भूतों की या चुड़ैलों की? हाँ, उनकी, या फिर शायद उन इंसानों की जिनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे यार, आप तो सीरियस ही हो गए। सॉरी भाई। याद आया, उन साहब ने मुझे एक तावीज भी दिया है। कैसा तावीज? मेरे लिए दिया है उन्होंने। तुम्हारे लिए? हाँ, और साथ में एक अजीब सी बात भी कही कि इसमें हिसार है, मेरे घर पे किसी की नजरें हैं। अगर उन्होंने कहा है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तुम इतने दिनों बाद आए भाई, चाय पीते हैं।